welcome back to another video i hope you guys are doing absolutely fine and today's video is all about how to connect apple carplay and android auto in skoda kushak's infotainment system so those who are watching the video and the channel for the first time i you know welcome you all and thank you so much guys for showing so much support and love and i really want to thank you from the bottom of my heart

नाइन टू टेन किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज निकालती है स्क्वाडा कुशाक सिटी के अंदर मैंने सारा ड्राइविंग डेटा आप लोगों के सामने शेयर कर दिया था प्लीज आप जाके मेरी वीडियो देखिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी एंड इवन चैनल में जाके आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स मैंने स्क्वाडा कुशाक की अपलोड की हुई है इफ़ यू टॉक अबाउट स्क्वाडा कुशाक हिडन फीचर्स एंड यू नो बैक सीट कम्फर्ट फ्रंट सीट कम्फर्ट स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स Well, well. इंस्ट्रूमेंट सारी क्लस्टर सारी जो जो मुझे, मुझे शेयर करना चाहिए मैं उसकी वीडियो बना के आपके सामने ले जैसे की आज जो वीडियो बन रही है वो बन रही है हाउ टू कनेक्ट एंड्रॉयड ऑटो एंड यू नो हाउ टू कनेक्ट ब्लू टूथ इन योर स्कोडा कुशाक्स इनफोटेनमेंट सिस्टम ये शुरू करते हैं टूडेज वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे हैं टे you know, uh, अच्छा दिया सेम साइज विथ सेम फीचर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करते हैं हाउ टू कनेक्ट एंड्रॉयड ऑटो एंड ब्लूटूथ इन स्कोडा कुशाक सो ये आप एक फोन देख रहे हैं मेरे हाथ में इसका ब्लूटूथ पहले ऑन करेंगे यहाँ से एंड वाई फाई भी ऑन है ब्लूटूथ भी ऑन है इसका सो आइए चलते हैं इसकी स्क्रीन पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो यू हैव टू प्रेस द बटन विच इज राइट फ्रंट ऑफ मी वे फोन कनेक्ट एंड मेरा डिवाइस जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है मैंने अपना वाई फाइंड ब्लूटूथ ऑफ किया हुआ नहीं हुआ अगर वो डिवाइस मैं ब्लूटूथ एंड वाई फाई ऑन रखता हूँ तो जैसे ही द मोमेंट आई स्टेप इन टू द कार ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाता है बिना कुछ दबाए बिना कुछ प्रेस किए बिना कुछ फंक्शन ऑपरेट किए ऑटोमेटिकली यू विल बी कनेक्टेड थ्रू एंड्रॉयड ऑटो इन योर स्कोडा कुशाक सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट डिवाइस पर क्लिक एट डिवाइस पे करेंगे कनेक्टिंग न्यू डिवाइस विल टर्मिनेट द एंड्रॉइड ऑटो सेशन जो मेरा पुराना एंड्रॉयड ऑटो का सेशन है मेरे फोन से कनेक्टेड है वो टर्मिनेट हो जाएगा इफ यू यू नो कनेक्ट अस आई एल प्रेस येस बटन है लेट्स कनेक्ट टर्न ऑन योर ब्लूटूथ एंड चूज ऑन द लिस्ट बिलो राइट सो एग्जैक्टली यू नो दैट्स डिवाइस वन प्लस नॉड यहाँ पे शो कर रहा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इट विल बी शोइ अ कोड आपको ये पे क्लिक करना है स्टैब्लिशिंग ब्लूटूथ कनेक्शन विद वन प्लस नॉट दिस वॉन्ट टेक लॉन्ग ओके सो इट्स कनेक्टेड एंड इसके बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा वन प्लस नॉट वर्क विद एंड्रॉयड ऑटो वुड यू लाइक टू स्टार्ट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो तो आपको अगर ये एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट नहीं करना है, थ्रू ब्लूटूथ आप इसको नो पे क्लिक कर देंगे but yes, ये वीडियो जो है, आप क्लिक करेंगे ये डिवाइस जो है वो ब्लूटूथ से भी एंड एंड्रॉइड ऑटो से भी आपकी कार में जो है वो कनेक्ट हो जाएगी राइट right. And this is how it looks when you connect an Android Auto with your infotainment system of SkodaS Koshak. Uh, require permission to assess car data, calendar, call logs, contacts, location, microphone, phone, and SMS, even if the phone is locked. Okay. Android auto will turn on Bluetooth and pay your phone. Also, it will sync your contacts with this car unless you have opted out. Alright, let's press on continue. ऑल राइट सो ये आपके फोन की जो स्क्रीन है ये एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन पे मर्ज हो जाएगी आप सारे के सारे फंक्शन जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे थ्रू योर इन्फोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन इट्स शोइंग टैप हेयर और ट्राई से हे गूगल रीड मी मैसेज ओके आप यहाँ पे वॉइस असिस्ट के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड इसको यूज करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक आपको बटन दिया हुआ है ऑन योर आर स्टेयरिंग व्हील ऑफ स्कोडा कुशाक आप इस पर क्लिक करते हैं आई वॉन्ट गो टू रेजोरी गार्डन टूक्स समथिंग वेंट रॉन्ग विद द कनेक्शन ट्राई अगेन ओके सो यू कैन सी द मेन्यू हेयर एंड यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका वॉइस असिस्ट का इस इसपे अगर आप क्लिक करते हैं हाई ओपन स्पॉडिफाई टूक्स समथिंग वेंट रॉन्ग विद द कनेक्शन आई थिंक यहाँ पे कुछ नेट का इशू है तो आई थिंक ये यहाँ पे शो ने इसलिए ओपन नहीं कर रहा है बट इट वर्कली फाइन मैं अपने फोन से काफी बारे लाइक ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे यूज कर रहा हूँ एंड्रॉइड ऑटो एंड एपल काफेक्ट कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे अभी तक कभी आई नहीं है लाइक इट्स बिन लाइक एट नाइन मंथ्स मैंने गाड़ी यहाँ पे ली हुई है सो so, बहुत ही यूजर फ्रेंडली एंड बहुत इजीली आपका कनेक्ट होने के बाद सारे फंक्शंस आप ऑपरेट कर पाते हैं लाइक like, यहाँ देख रहे हैं मैप्स इफ यू आर ड्राइविंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन मैप्स और नेविगेशन ऑन योर फोन इट एंड इवन यू वॉन्ट ओपन द मैप्स ऑन योर इन्फर्टेनमेंट सिस्टम स्क्रीन दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट वाइल ड्राइविंग बट फ्रॉम हेयर इफ यू प्रेस दिस बटन

एंड अगेन ये सारी आपकी स्क्रीन है आप इसमें यहाँ पे आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मैप्स का स्पॉडिफाई यहाँ पे आप ऑपरेट कर पाएंगे वाई टी म्यूजिक बिकॉज यहाँ फोन में जो ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको शो हो रही है फोन गेम्स स्नैक्स गाना डॉट कॉम की भी एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैलेंडर इंफोटेनमेंट ये ऑप्शन के बारे में बात करते हैं अभी अब यहां पे आ रहा है मैसेज आप मैसेज भी यहां से रीड कर पाएंगे एंड वेन एवर यू विल गेट अज दे नोटिफिकेशन ऑन योर इन्फोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन एज वेल एंड इफ यू रीड इट आउट यू जस्ट हैव टू प्रेस एन ऑप्शन पे एक ऑप्शन आता है लाइक टैप टू रीड सो इसके अंदर जो वॉइस असिस्ट का ऑप्शन है या जो भी इनबिल्ट वॉइस है इसके सिस्टम के अंदर वो आपका मैसेज आपको रीड करके भी बताता है वेरी so गुड आप ड्राइव करते हुए आपको फोन कंसर्न अबाउट जो भी आपके फोन के रिलेटेड uh, मैसेज आते हैं या व्हाट्सएप आते हैं या जो भी कॉल आती है आपको ड्राइव करते हुए रोड से आपको नजर हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है आप सारी की सारी चीजें ऑपरेट uh, कर पाएंगे मैसेज भी सुन पाएंगे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आप सुन सकते हैं इन योर इन्फोरटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन सो देट इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमाइंडर का सेटिंग्स का वेदर व्हाट्सएप एंड कस्टमाइज सो so, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं सो ये आपको मैं सारा का सारा गाइड कर चुका हूँ एंड ये मैप्स पे आप देख रहे हैं बटन यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये गूगल मैप पूरा शो कर देता है लाइक like यहाँ पे टू वो पॉकेट डी एंड एंड इस बटन से यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन टाइप करेंगे अपनी लाइक वेयर एग्जैक्टली यू वंट गो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लाइक सेम एज गूगल मैप्स इन योर फोन एज वेल आप सेम इसको क्लिक करेंगे तो आपको एंटर करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्शन पूरी की पूरी वहां पे शो हो जाती है एंड प्रॉपर नेविगेशन आपका यहाँ पे काम करता है बहुत ही अच्छे तरीके से एंड इट्स वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली आप आसानी से जहां भी आप जाना चाहें आप इसको यहाँ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं म्यूट कर पाएंगे एंड अनम्यूट भी कर सकते हैं यहाँ से एंड रीसेंटर करना हो आपको तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो गाड़ी आपकी जहाँ पे करंट लोकेशन पे खड़ी है वो आपको वापस वहीं ले आती है एंड अगेन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज फॉर वॉइस असिस्ट आप इस पर क्लिक करते हैं जी बहुत अच्छा no, नो सॉरी कुछ इन्होंने जल्दी कैच कर लिया आई थिंक दोबारा इस पर क्लिक करते हैं जिसके मे सेकेंड जोरी गार्डन राजोरी गार्डन राइट सो ये यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको जहाँ जाना है वहां पे आपको शो हो जाएगी जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट देशन एंड यहाँ पे आपका नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है, right तो पे है पूरा मैप, पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है ये आपको पूरा का पूरा गाइड करेगा थ्रू वॉइस कमांड्स एंड ये आपको प्रॉपर नेविगेट कर देगा वेर एवर यू वोट गो सो इट्स वेरी इजी मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है यूज करने में बहुत ही कम्फर्टेबल है और आपको एक आध घंटे में ही आपको आराम से इसकी हैबिट भी हो जाएगी लाइक मुझे भी अप्रोक्सीमेटली दो तीन घंटे लगे थे इसको सारा का सारा समझने में एंड उसके बाद मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत हुई नहीं इसको यूज करने के अंदर एनीवे वे चलते हैं बैक स्क्रीन बैक स्क्रीन करने के लिए आपकी दो चीजें हैं जो ये आप सर्कल का बटन देख रहे हैं ये होता है मोड चेंज करने के लिए स्क्रीन चेंज करने के लिए बेसिकली आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एंड्रॉइड ऑटो की जो स्क्रीन है आपके फोन के सारे-सारे जो हैं आप वहां पर दोबारा पहुंच जाते हैं पॉडकास्ट फोन मैसेजर्स मैसेज कैलेंडर्स एंड ये जो आप दोबारा ये बटन देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो सर्कल सा बटन है इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका गूगल नेविगेशन ऑटोमेटिकली दोबारा आता है लाइक like दिस एंड आपको दोबारा इफ यू वॉन्ट गो बैक टू द स्क्रीन ऑफ योर यू नो फोन आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वापस अपनी स्क्रीन पे ही पहुंचा देगा यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे हैं सेटिंग्स में आपका स्क्रीन ऑफ ऑडियो कनेक्ट प्रोफाइल लाइट्स वेले मोड अगेन जो वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम वेले मोड के ऊपर मैंने लाइक uh, डेडिकेटेड like एक वीडियो नहीं बना पाया बट येस yes, जो मेरी वीडियो है फॉर द इन्फोटेनमेंट सिस्टम उसके अंदर वेले मोड भी मैंने कवर किया हुआ है सो द नेक्स्ट वीडियो बी एबल टू सी ऑन माई चैनल विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ द वेले मोड इन स्कोडा कुशाक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फीचर आई थिंक ये uh, कौन सी गाड़ी में और आता है मुझे तो नहीं पता बट फर्स्ट स्क्वाडा ने ही लॉन्च किया था ये वेले मोड आई थिंक मैंने कवर नहीं किया डेडिकेटेडली बट येस yes, मुझे अभी याद आया तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा मेरे चैनल में जल्दी ही देख पाएंगे सो so, यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ब्राइटनेस एंड इफ यू वॉन्ट गो बैक टू द एंड्रॉइड ऑटो स्क्रीन यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन एंड ये लीजिए आपकी वो स्क्रीन वापस आ गई तो जो भी आपको ऑपरेट करना हो जो भी आपको यूज करना हो आप इजीली सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं एंड इससे ही आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट सॉन्ग भी प्ले कर पाएंगे सो इट्स वेरी इजी टू यूज अब बात करते हैं इसके इन्फोटेनमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन है वो यू विल बी एबल टू सी आपको मेन कनेक्शन में एंड मेन सिस्टम की स्क्रीन पे वापस वो ले जाता है सो दैट यू कैन यू नो ऑपरेट द सिस्टम इजिली और आपको फोन से यू नो कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो और आप इजिली इसके सारे के सारे फंक्शन देख पाए और इसको ऑपरेट भी कर पाए एंड वो बैक करने के लिए लाइक इफ यू वॉन्ट गो बैक टू द एंड्रॉइड ऑटो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन एंड आपका एंड्रॉइड ऑटो वापस वो ले जाता है ये थी आज की वीडियो हाउ टू कनेक्ट योर फोन थ्रू एंड्रॉयड ऑटो इन

कि एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है मेक अ अनदर वीडियो अबाउट हाउ टू कनेक्ट योर फोन थ्रू एंड्रॉइड ऑटो इन योर स्कोडा कुशाक सो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बटन इज वेल एंड फॉलो मी योर इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ मशीन एंड मकानिज्म थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंगे बाय